तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अंडर 8000 के अंदर कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जो इस मंथ अगस्त के मंथ में आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ये 8000 के अंदर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। हमने टॉप 5 स्मार्टफोन लिए हैं। इसमें को एक रियलमी का, रेडमी का, जो 5 ब्रांड के 5 स्मार्टफोन है जिनको आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो सबसे पहले मैं बताने चाहता हूँ जो फर्स्ट नंबर का जो स्मार्टफोन है वो रियलमी की तरफ से है। जहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है अच्छा और बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिलती है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है। इसी कारण से हमने इसे फर्स्ट रैंक दिया है। सबसे पहले इसकी रैम स्टोरेज की बात करिए, 2 GB की रैम और 32 GB स्टोरेज मिलती है, जिसके प्राइस 7499 यानी 7500 रुपीज़ है, जिसे आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते। डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर 6.5 इंच की HD+ IPS HD डिस्प्ले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। इस प्राइस के अंदर इसमें इस स्मार्टफोन में बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरा क्वालिटी की बात करें, 13+2 में उसका डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। उसी के साथ ही 5 MP का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी और प्रोसेसर की बात करें, यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G35 का लेटेस्ट प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अगर मैं अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो ASUS के तरफ से निकल के आता है, सेकंड नंबर पर रखा है हमने। ये काफ़ी पुराना मॉडल है, फिर भी इस प्राइस के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन माना जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा से प्रोसेसर भी देखने को मिलता है और रैम स्टोरेज भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम रैम स्टोरेज की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर रैम स्टोरेज की बात करूँ, इस स्मार्टफोन में आपको 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलती है, इसी कारण से हमने इस स्मार्टफोन को सेकंड नंबर पर रखा है। और इसका प्राइस की बात करें तो इसकी 7999 प्राइस है। अगर आपको ASUS का स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन का परचेस कर सकते हो। तो डिस्प्ले की बात करिए, 6.26 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, जो एक नॉच के साथ आती है। कैमरा क्वालिटी की बात करें, 30 MP में उसका डुअल बैक कैमरा पर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ ही सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर 8 MP का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, उसके साथ ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर भी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और आपको गेमिंग करेंगे यहाँ पर पबजी फ्री फायर तो आप खेल पाएंगे, लेकिन हाई ग्राफिक्स में नहीं खेल पाएंगे। तो चलिए शुरू आपको बताना चाहता हूँ कि अगला स्मार्टफोन नोकिया की तरफ से, इसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम देखने को मिलती है, इसी कारण से हमने इसे थर्ड रैंक पर रखा है। ये एक नॉच के साथ आता है तो बड़ी नॉच आती है, और यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर सबसे पहले इस स्मार्टफोन के रैम वेरियंट की बात करते हैं, 3 GB की रैम और 32 GB स्टोरेज स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। प्राइस की बात करूँ, 6999 की प्राइस है। डिस्प्ले की बात करूँ तो 5.1 इंच की HD+ IPS नॉट डिस्प्ले पर देखने को मिलती है। तो मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ, स्मार्टफोन की 13+5 MP डुअल रियर कैमरा बैक साइड में देखने को मिलता है, और उसके साथ ही 8 MP का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी बात करूँ तो 3600 mAh की बैटरी कैपेसिटी, उसके साथ ही मीडियाटेक का P60 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो इस प्राइस के अंदर बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आपको कोई नोकिया का स्मार्टफोन लेना चाहता है इस प्राइस के अंदर तो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं, नोकिया 5.1 प्लस। इस स्मार्टफोन में आपको बहुत बड़ी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है। शुरू अब मैं फोर्थ नंबर के स्मार्टफोन की बात करूँ तो सैमसंग की तरफ से निकल रहा था, सैमसंग गैलेक्सी M10। इस स्मार्टफोन की एक खास बात ये थी कि इसमें 3 GB की रैम और 32 GB स्टोरेज मिलती है, इसकी प्राइस 8000 रुपीज़ है। अगर यहाँ पर डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर 6.22 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस प्राइस के अंदर सैमसंग के स्मार्टफोन में बहुत बड़ी डिस्प्ले है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर बैक साइड में 13+5 MP डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है, उसी के साथ ही 5 MP का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिलता है।
अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी और प्रोसेसर की बात करूँ, यहाँ पर 3400 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, जिसके जरिए 10 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अब एक्सिनोस का 7870 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में हेवी गेमिंग या नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, हेवी गेमिंग इस स्मार्टफोन में नहीं कर सकते। तो चलिए हम अब लास्ट यानी 5 नंबर का जो स्मार्टफोन है इसकी बात करते हैं, तो रेडमी की तरफ से निकल कर आता है। इसको 5 रैंक देने की ये है कि यहाँ पर आपको रैम कम देखने को मिलती है, यानी 2 GB की रैम यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर और रैम की वजह से हमने इसे कम रखा है। यहाँ पर 2 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसकी प्राइस 7999 8000 है। इसी कारण से हमने इसको 5 नंबर पर रखा है। और यहाँ पर डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.26 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर 12+2 MP का डुअल रियर कैमरा बैक साइड में देखने को मिलता है, उसके साथ 8 MP का सेल्फी कैमरा भी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 4000 mAh की बड़ी बैटरी स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, उसी के साथ आपको 10 वाट का चार्जिंग सपोर्ट भी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और आपको रेडमी का स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज के अंदर यानी 8000 के अंदर लेना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हो। इस प्राइस के अंदर ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक का वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।